नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जब हम यूजी और पीजी कंप्लीट करते हैं तब हमारे मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि मैं किस वैकेंसी में अप्लाई करूं और कौन सी एग्जाम की तैयारी करूं ताकि मैं एक सरकारी अधिकारी बन सकूं। और हमारे पास में कई बार ये जानकारी नहीं रहता या कोई गाइडलाइन करने वाला व्यक्ति नहीं होता तो हम भ्रम में फंस जाते हैं। यानी कि जो भंवर होता है ना, पानी का एक भंवर होता है, उस भंवर में जब व्यक्ति फंसता है तो कहीं का नहीं रहता, वो नदी पार नहीं कर सकता। यदि वो कोई भंवर में फंस जाता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं टीचर बन जाऊं, क्यों ना मैं कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाऊं, क्यों ना मैं पीसीएस एग्जाम देकर जो है डिप्टी कलेक्टर बन जाऊं, नायब तहसीलदार बन जाऊं, क्यों ना मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, या पटवारी आरआई के वैकेंसी जब निकलता है तो क्यों ना उसमें मैं अप्लाई कर दूं। आप एक ही मन में प्रश्न उठता है कि मेरे लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त तो कौन सा पद होगा और कौन सी एग्जाम दूं जिससे मुझे पहली बार एग्जाम में बैठूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। और जब आप ये भी प्राप्त करते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से या रोजगार निर्माण या रोजगार समाचार या वेबसाइट के माध्यम से या जब आप यूट्यूब के माध्यम से ये देखते होंगे कि देखिए बोले 12वीं पास वाला व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, 20 से 25 हजार रुपया प्राप्त कर सकता है, SSC के यहाँ वैकेंसी निकला हुआ है, पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसी निकला हुआ है, व्यापम एजेंसी जो है ये वैकेंसी निकाला है। और आप उसको रीडिंग करते हैं और फिर आपके मन होता है तो आप जो है अप्लाई भी कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में आप एग्जाम देने भी चले जाते हैं, एक दो किताब भी खरीदते हैं और थोड़ा सा पढ़ने भी लगते हैं। और एग्जाम दे के आने के बाद में आपको एहसास होता है कि ये मेरे लायक नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है। इस तरह से हम अपनी सोच को जो है बदलते रहते हैं और केवल एग्जाम देते हैं और हम अपनी तैयारी करते नहीं हैं। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त का लड़का था और वो चाहता था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, तो उनके पिताजी को मैंने एडवाइस दिया कि इस बच्चे को जो है आप आर्मी स्कूल में एडमिट करें, एडमिशन दिलाएं। तब उन्होंने जो है आर्मी स्कूल में एडमिशन दिलाया, आर्मी स्कूल में एडमिशन तो हो गया, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब वो आर्मी जो स्कूल था वहां पर उसको सूट नहीं किया, बीमार पड़ गया, तब आर्मी स्कूल भी छोड़ दिया। उनको कहा कि भाई आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कराइए, इस स्कूल में एडमिशन दिलाइए, तो वहां पर जो है उन्होंने जो है उस स्कूल में एडमिशन दिलाया। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। तब उसके पिताजी से मैंने कहा था कि देखिए भाई साहब, भले इस बच्चे को जो है आप जो है कम से कम आर्मी से संबंधित लिटरेचर ला कर दीजिए और उससे संबंधित जितने भी साहित्य हैं उसकी सामग्री उपलब्ध है मार्केट में, सारे चीजें जो है इनको खरीद कर दीजिए। तो जैसे मैं कहता था वैसे ही जो है उसके पिताजी वो करते थे, बहुत सारे साहित्य ला दिए। और जब वो 11th में पहुंचा तब जो हमने साहित्य उपलब्ध कराया था, जो किताब उपलब्ध कराया था, वो 2-3 बार पढ़ चुका था। ऐसे पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, एक बार जब कोई व्यक्ति पढ़ाता था तो उसके दिमाग में रख लेता था और उसकी याददाश्त भी बहुत तेज था। जब वो 11th में पहुंचा तो एक आर्मी स्कूल के जो कमांडेंट लेवल के लोग होते हैं वो स्कूल भ्रमण करके आर्मी ज्वाइन करने के लिए जो है जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो उसके स्कूल में भी आए थे। देखिए कैसे एटमॉस्फेयर होता है। और इस स्कूल में बहुत सारे बातें बताया और उन्होंने नोट भी किया और उनसे प्रश्न भी किया था कि कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है। तब हम लोगों को जब बताया कि देखिए भले ये जन जागरूकता के लिए ये लोग आए थे, बड़े बड़े जो आर्मी ड्रेस पहने हुए थे, पता नहीं कितने स्टार या कितना अशोक चिन्ह लगा हुआ था, उन्होंने ये जानकारी दिया और उन्होंने कहा कि ये चीजें जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीजें हमें खरीद कर दीजिए। तो उनको हमने जब दिया, 11th पढ़ा 12th में उसका केवल सेकंड डिवीजन था, 12th में केवल सेकंड डिवीजन था, 10th में फर्स्ट क्लास था, लेकिन 12th में सेकंड डिवीजन था। जब सेकंड डिवीजन आया तो पिताजी थोड़ा सा निराश हो गए,
बोला कि यार बोले कहीं का नहीं रह गया लड़का जो है हायर सेकेंडरी में बहुत कम मार्क्स लाया है, सेकेंड डिविजन लाया है, ये कहाँ से आर्मी बन पाएगा, वो आर्मी का सपना दिखता है, आर्मी की किताबें केवल पढ़ता है, यहाँ पर इलेवंथ की किताबें ट्वेल्थ की किताबें उन्होंने ज्यादा पढ़ता नहीं है, केवल आर्मी की किताबें पढ़ता है। जब उनको हमने कहा कि एनडीए में एग्जाम दीजिए, अप्लाई कर दीजिए बच्चों को जो है, जब एनडीए में अप्लाई किया तो जब उनका परफॉर्मेंस रिजल्ट में दिखाई दिया कि उनका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में एक स्टेप में जब उनको इंटरव्यू में बुलाया गया और उनके पास में 3 सीट बचा हुआ था और उस बच्चे से केवल एक प्रश्न पूछा कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आर्मी ही मेरी जिंदगी है, ये शब्द कहा था उन्होंने, छोटा सा बच्चा था, 12th पढ़ा था, 17 साल हुआ था बच्चे को, केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि यू आर सेलेक्टेड, उनको सेलेक्ट हो गया। आज वो बी कर रहा है, आर्मी में ही बी करवाते हैं और एक अच्छे पद पर है। देखिए जब हम नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले विजन आपको फिक्स करना पड़ेगा। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको यूजी से आपको तैयारी करना पड़ेगा, यूजी फर्स्ट ईयर से आपको तैयारी करना पड़ेगा और आपको पहले ही ये जान लेना है कि मेरे लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। यूजी में फर्स्ट क्लास चाहिए, पीजी में फर्स्ट क्लास चाहिए, फिर नेट सेट चाहिए, फिर पीएचडी हो सके तो पीएचडी चाहिए, ये सारी योग्यताएं आपके पास में है तो पहले से सबसे पहले जो है आपकी इस योग्यता को इकट्ठा करना है, योग्यता प्राप्त करना है। और यदि आपके मन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का होगा तो आप दिन रात उसी में लगा दीजिए, इधर उधर भटकिए मत। कभी पीसीएस में एग्जाम दे रहे हैं, कभी एसएससी में एग्जाम दे रहे हैं, तो कभी पटवारी में एग्जाम दे रहे हैं, तो कभी पुलिस में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। अरे भाई पुलिस में भर्ती होंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे बल्कि पुलिस ही बनेंगी। और आपका टारगेट फिक्स नहीं है, आपका गोल जो है फिक्स नहीं है, जैसे अर्जुन ने गोल फिक्स किया हुआ था और द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुदेव बोले मुझे आदेश दीजिए मैं तीर छोड़ूंगा। जब उन्होंने तीर छोड़ा तब वो सीधा जहां पर उसका टारगेट था उस टारगेट में जाकर जो है वहां पर भेद गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप भटकाव न करें, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो अभी से आप अपना तैयारी करना प्रारंभ कर दें। नेट और जेआरएफ पहला काम है, फिर उसके बाद में पीएचडी में एडमिशन लें, पीएचडी कर लें और ये दोनों डिग्री जब आपको मिल जाएगी तब फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट और चाहिए उसको आप कंप्लीट करते जाएं। और आप इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप रिक्वायरमेंट को जो है प्राप्त करते जाएंगे तो आपके रास्ता अपने आप बनते जाएगा और फिर आपको जो है कोई रोक नहीं पाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में, आप श्योर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहली बात जो है आपके मन में एक ध्येय एक गोल आप बनाना पड़ेगा, तभी आप जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तब वो गोल को जो है प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छे एकेडमिशियन बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। टीचर के जैसे कोई मान लीजिए इंजीनियर बन गए, आप इंजीनियर बनते हैं तो कोई कंडक्ट नहीं चाहिए उनके लिए, आप सीधा इंजीनियरिंग डिग्री लीजिए और फार्म भरिए, फार्म भरेंगे, फार्म के बाद में एग्जामिनेशन देंगे, एग्जामिनेशन के बाद में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा और सीधा आप इंजीनियरिंग का काम करने लग जाएंगे। लेकिन जब आप एक टीचर बनते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, मिडिल स्कूल का, हाई स्कूल का हो, कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी का, जब आप शिक्षक बनते हैं, टीचर बनते हैं, तो सबसे पहले उसका कॉन्डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो शुरू से जिनका करेक्टर बहुत ही सिंपल है, कोई उनका कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है, वही व्यक्ति टीचर बनेंगे तभी वो सफल हो पाएगा। कहेगा कि मैं टीचर भी बन जाऊंगा, साथ में किराना दुकान भी चलाऊंगा, भूमि खरीद फरोख्त करूंगा और कोई बिजनेस करूंगा, तो आप टीचर के पोस्ट में मत आइए, मैं आपको मना करूंगा। यदि आप चाहते हो कि एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहते हो, समाज में उनका आपका अपना ओहदा होगा, केवल आपको सम्मान मिलेगा, धन प्राप्त नहीं होगा, धन नहीं मिलेगा आपको जो है, केवल सम्मान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यदि सम्मान चाहिए तो प्रोफेसर बनिए, यदि पैसा कमाना है तो इंजीनियर बनिए, ठेकेदार बनिए, वकील बनिए, डॉक्टर बनिए या आप किराना दुकान खोलिए, कोई शॉप खोल दीजिए, ठीक है। तो आप बहुत सारे बिजनेस है, उस बिजनेस को करिए, खूब पैसा मिलेगा लेकिन वहां पर कोई सम्मान नहीं मिलेगा। बल्कि जब आप प्रोफेसर बनेंगे तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल में आपका नाम होगा, आपका पहचान होगा, आपका शोहरत होगा, आपका फॉलोअर होगा और आपको जीवन पर्यंत जो है सम्मान मिलता रहेगा।
समाज आपको अलग दृष्टि से देखेगा, ठीक है, और आपके चरित्रवान बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा, आप टाइम के प्रति सजग होना पड़ेगा, आप केवल ज्ञान दान देंगे, आपकी अपेक्षाएं बहुत कम होगा, आपकी शौक बहुत कम होगा, तभी जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो सफल हो पाएंगे, अन्यथा स्थिति में आपका प्रोफेसर बनना एक सपना बन रह जाएगा, आप कभी प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। किसी व्यक्ति के एक आवाज एक वाक्य से समझ आ जाएगा कि ये प्रोफेसर बनने के लायक है या बिजनेसमैन बनने के लायक है या किसी दूसरे पोस्ट के लायक है, आपका सिलेक्शन एक शब्द में हो जाएगा। दोस्तों कई मेरे साथी कहते हैं कि देखिए सर आप जो है बहुत फालतू बात करते हैं, बहुत ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन ये ज्ञान कोई काम का नहीं है। आजकल चलता है पैसा, आजकल चलता है अप्रोच, मनी पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए, तब जाकर नौकरी मिलता है, अन्यथा नौकरी नहीं मिलता है। मेरे जितने भी चीर परिचित के लोग हैं वो सारे जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, क्लास वन ऑफिसर भी हैं, क्लास टू ऑफिसर भी हैं, मेरे जैसे प्रोफेसर भी हैं, स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छे टीचर भी हैं, ठीक है, बहुत सारे मेरे साथी हैं, लगभग बहुत सारे लोग जो है जॉब करते हैं। मैंने किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना कि उन्होंने एक रुपया दिया हुआ है या पॉलिटिकल अप्रोच लगाया हुआ है। पॉलिटिकल अप्रोच और पैसा वही व्यक्ति लगाता है जो कमजोर होता है, जो अपने आप पर भरोसा नहीं रखता, जिनके मार्क्स कम होते हैं, जो कंपटीशन में फाइट करने के लिए वो उनके पास में योग्यता नहीं होता, वही व्यक्ति अप्रोच लगाता है। और अप्रोच लगाकर वो भी हो सकता है कि नौकरी पा रहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता। और ऐसे व्यक्ति जब अप्रोच लगाकर आता है तो वो एक अच्छे परफार्मर नहीं बन पाता, एक अच्छे परफार्स नहीं कर पाता। ये बात को हमेशा समझिए, यदि ईमानदारी के साथ में अपने जीवन को जिएंगे तो ही आप सफल इंसान कहलाएंगे और सबके लिए अनुकरणीय होंगे, फॉलोअर बनेंगे, समाज भी आपको जो है इज्जत के साथ देखेगा, आपको सैल्यूट करेगा। और इस पेशे को जो है बिजनेस न बनाएं और इसी उद्देश्य से असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तभी आपको जो है ये सपने पूरे होंगे, और सपने पूरे भी होते हैं तो आप सफल इंसान कहलाएंगे। मैं आप लोगों से आशा और विश्वास यही रखता हूं कि आप एक भला इंसान बनकर जो है एक भले कार्य में अपना योगदान दीजिए, तो तभी हमारा ये देश जो है, हमारा राष्ट्र जो है सफल हो सकेगा, मैं ऐसा मानता हूं। नमस्कार।